थर्मिस्टर्स आर हीट सेंसिटिव डिवाइस, कोई हीट सेंसिटिव डिवाइस हैं जो हीट से बहुत जल्दी, जिनकी सेंसिटिविटी है, हूज रेजिस्टिविटी चेंजेस वेरी रैपिडली विद चेंज इन टेम्परेचर। मतलब हल्का सा टेम्परेचर चेंज हुआ, उसकी रेजिस्टिविटी चेंज होगी, उसकी रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाएगी। नॉर्मल वायर्स की नहीं होती, नॉर्मल वायर की ज्यादा टेम्परेचर गर्म करने पे या ज्यादा टेम्परेचर डाउन करने पे चेंज होती है रेजिस्टेंस, इसकी बहुत जल्दी होती है। कहाँ फायदा है, जैसे मान लो आपका ये एसी चल रहा है, एसी का टेम्परेचर रूम में कंट्रोल होता है, आपको पता अगर 18 डिग्री कर दिया तो 30, 29, 28 करते करते 18 आएगा। कैसे पता लग रहा है एसी के अंदर मशीन को कि 18 हो गया, अब 19 हो गया, अब 20 हो गया, 21 हो गया। एक डिग्री सेल्सियस जैसी रूम का टेम्परेचर चेंज होगा, अंदर थर्मिस्टर लगा होगा, वो थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस एकदम गिर जाएगी अगर टेम्परेचर लो हो गया। जैसी गिरेगी रेजिस्टेंस गिरेगी, करंट चेंज होगा अंदर, तो अंदर मशीन में कैलकुलेशन की हुई है इसमें, तो जैसी वो करंट चेंज होगा टेम्परेचर वो दिखा देगी कि इतना डिक्रीज हो गया। राइट, क्लियर है। ऐसे ही टेम्परेचर अगर इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस इसकी एकदम बढ़ जाएगी, थर्मिस्टर की एकदम सेंस कर लेगा ये, और जिससे कि करंट चेंज हो जाएगा और ये डिटेक्ट कर लेगा कि यहाँ पर टेम्परेचर का चेंज है। तो ऐसा कुछ मैकेनिज्म, ऐसा मटीरियल यूज किया जाता है जहां पर टेम्परेचर वेरिएशन बहुत ज्यादा है। उसी तरीके से मान लो कंट्रोल यूनिट ऑफ इंडस्ट्री, मान लो कोई ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर चीजें गर्म करनी है, बॉयलर लगे हुए हैं बहुत, जब बॉयलर फट सकते हैं एट हाई टेम्परेचर, तो हाई टेम्परेचर पे बॉयलर ना फटे तो वहां पर थर्मिस्टर लगाया जाता है। जैसे ही एक क्रिटिकल टेम्परेचर क्रॉस करता है थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस एकदम बढ़नी स्टार्ट हो जाती है, तो वहां पे करंट चेंज हो जाएगा, तो आपका अलार्म बच जाएगा कहीं ना कहीं कि यहाँ पर टेम्परेचर काफी ड्रास्टिक चेंज हुआ, तो वहां से फिर बिजली को हम कट ऑफ कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ इसका प्रिंसिपल है। सुपर कंडक्टिविटी हमने कर ली थी, कार्बन की कोडिंग हमने कर ली थी।